बुलबुला की लाठी बेआवाज होती है, और जब तुम जैसे कीड़े में पड़ती है ना, इसी दुनिया में तुम तड़पते रहोगे, पछताते रहोगे। लगता है तुमने अपने व्हाट्सएप नहीं चेक किया, तस्वीरें भेजी तुम्हारी बहन, इसकी बहन मलका की तस्वीरें। वो बेचारी भी आतिफ नवाज के हाथ इतनी बेबस थी ना, जितना बेबस तुमने मुझे किया। निकालो निकालो और देखो, ताकि तुम्हें यकीन हो, जो भी इस दुनिया में जैसा करता है वैसा ही भरता है। क्या हो गया तातो जान? कयामत आ गई, वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सब ठीक तो है ना? अम्मी कहाँ है? तुम्हारी अम्मी तुम्हारी खाला की तरफ गई है। क्या जरूरत थी उनको इस वक्त पर खाला की तरफ जाने की? मैंने उससे कहा भी था कि तुम्हें उठा ले, लेकिन उसने कहा पता नहीं तुम इस वक्त भी उसकी बात मानोगे या नहीं मानोगे। तो दरअसल तुम्हारा रवैया देखकर मलका ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। अगर उसे वक्त पे अस्पताल ना ले जाते ना, तो वो जान की बाजी हार गई होती, जरा सी देर में घर उजड़ जाता। अच्छा दादू, मलिका बच तो गई है ना, तो क्यों रो रही हैं आप? अकील ने उस आदमी को कत्ल कर दिया जिसने तुम्हें तस्वीरें दिखाई थी, और उसने गिरफ्तारी दे दी है। बेटा तुम जाओ, वो लोग बहुत परेशान होंगे, उनको तुम्हारी जरूरत होगी। बेटा दादू मैं जा रहा हूँ। देखो आसिफ, क्या हालत इसने अपनी बना ली है। क्या कहा डॉक्टर? कह रहे कि खतरे से बाहर है, इसलिए मैंने बच्चियों को भी घर भिजवा दिया। अब देखो डॉक्टर आएगा तो बताएगा। कोई दवा या ट्रीटमेंट? किसी दवा को लाने की जरूरत है?
दोबारा सारी दवाइयां दे के चली गई। डॉक्टर का इंतजार कर रहे, कब होश आती है इसे। ठीक है खाला, मैं बाहर बैठा हूं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ समझा, मैं मानती हूं इसका जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा इसकी सजा खत्म कर दो। खाला प्लीज मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं यहां सिर्फ आपके लिए आया। बेटा जो तस्वीरें तुमने देखी है वो तो मलका को उसने ब्लैकमेल करने के लिए खींची थी, और मलका तो मुझसे नफरत करती है, उसकी असलियत दुनिया वालों के सामने दिखाना चाहती थी। हाला उससे हिसाब तो मेरा खुदा ले लेगा, आप उसकी फिक्र ना कीजिए। मलका की किस्मत देखो कैसी है, जब इसने अपना घर बसाने का सोचा तो पिछली जिंदगी इसके हाथ धोकर पीछे पड़ गई, और मुझे नहीं लगता किसके गुनाह कभी कम होंगे। खाला आप अच्छी तरह जानती हैं, मैंने हमेशा सच्ची नीयत से उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ निदामत। इसी नदामत को खत्म करने के लिए तो इसने अपने आप को खत्म करने का सोचा, क्योंकि तुम दुनिया वालों का सामना नहीं कर पा रहे हो और ये तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही। मैं शायद इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं, मैंने जिस शख्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत की उसके दामन में अगर कुछ आया भी तो क्या, सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते इसने अपने दामन में इतनी रुसवाइयां भर ली कि अब बोझ उठाना इसके लिए नामुमकिन हो गया। आसिम, आसिम बेटा, अगर तुम इसकी तरफ मोहब्बत से देखोगे, इसे हौसला दोगे तो ये ठीक हो जाएगी। इसे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ बेटा, अपनी मां का भी नहीं सोचा तुमने ये सब कुछ करते हुए, क्यों किया तुमने ऐसा। चुप जाए आपने मुझे, मर जाने दिया होता आपके सारे दुख खत्म हो जाते। दुख और सजा मलका जब खुदा की तरफ से आजमाइश हो तो इंसान कभी नहीं खत्म कर सकता। वो देखो आसिम भी आया तुमसे मिलने के लिए। रोया रे, मनाहिल हौसला करो, जो होना था वो हो चुका।
शुक्र करो कि मलिका की जान बच गई। भाई ने क्या किया भाभी, उन्होंने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि हम सब पे क्या गुजरेगी। अगर उसमें इतनी सोचने समझने की सलाहियत होती तो ये नौबत ही क्यों आती। अम्मी ने गलत किया हम लोगों को घर भेज के, चारी अकेली वहां पे परेशान हो रही होंगी। उन्होंने हमें घर इसलिए भेजा है क्योंकि अगर हम वहां रुकते तो लोगों के तरह तरह के सवालात हमें परेशान करते। ये पुलिस केस है मुन्नी। मैं कल ही एक वकील कराता हूँ और उससे अकील की जमानत की बात करता हूँ। तुम उसकी जमानत कैसे करा सकते हो, उसने खुद गिरफ्तारी दी है। जाके देखती हूँ खाला है। नवेरा मैं भी चलता हूँ, मॉम ने जब से सुना है अपसेट हैं, तुम्हें पता है कि वो टेंशन लेते उनका बीपी हाई हो जाता। अकील, तुमने अपनी दुल्हन को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? अगर इन्होंने नहीं बताया तो आप बता दो। आपका और मेरे स्टेटस में सिर्फ एक फर्क है, ये अब आपको शादी के बाद लूटेगा और मुझे शादी के बगैर दोनों हाथों से लूटता आ रहा है। आवाज़ बंद करो अपनी, मेरा ड्रामेबाजियां कर रही है, इसकी किसी बात पे यकीन मत करना तुम। यकीन तो मुझे तुम्हारी बातों पर नहीं आना चाहिए था। निकलो यहाँ से तुम। एक सेकेंड अकील, आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि आप सच कह रही हैं? मैं आपको सबूत दिखाती हूँ इस घटिया इंसान की पर्सनालिटी मेंटालिटी। ये देखें हमारी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस देखें, और मेरे घर में हर कोने में ली गई तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको गवाही देंगी मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। सुनो मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। तुम तो सुहा के बारे में जानते थे, फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं मेरा बता देता तो यकीन कर लेती थी। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? अकील की न जाने कितनी लड़कियों से इस तरह की दोस्ती थी, किस किस के बारे में बताता तुम्हें? वैसे भी ये शौक उसकी शादी से पहले के थे, अब तो वो सिर्फ तुम्हारा है। नवेरा प्लीज ट्रस्ट मी, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। देखो मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम पर शक किया, मैं गलत था, लेकिन तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा मैंने, मुझे बस डर था कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। God's sake यार, I'm not a kid, बेवकूफ नहीं हूँ ना ही बच्ची हूँ मैं कि मुझे कोई भी धोखा दे देगा। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम मुझे एक प्रॉपर्टी की तरह ओन करना चाहते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा। ऐसा ही है, और काश ऐसा ना हो। You know what? मैंने तुम्हें बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था, डैड की चॉइस को सामने रखते हुए मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता मोहब्बत में पुजे से होना मेरा? I wish, I just wish तुम भी उतनी possessive होती मेरे बारे में जितना मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुमने मुझे possessive होने का मौका कब दिया यार? हर बार तो अपने शक को बीच में लाके हमारे बीच में और फासले पैदा कर देते हो। You give me reasons and you pressurize me। जो हुआ भूल जाओ, please, please। Listen to me, Navera, तो वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा, वो लम्हा लम्हा तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। एक बार निकाह हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। That's it, that's what I'm trying to say. तुम्हें मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए करना है because you want to show that you are the most powerful. तुम्हें अकील को नीचा दिखाना है, right? हाँ, मैं उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो खुद नहीं कर सकता। My God, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, मगर यहाँ तो सारी बात पावर गेम की है। ये क्या कर रही थी? तुम मुझसे निकाह करके अकील को नीचा दिखाना चाहते थे।
और मैं ये अंगूठी तुम्हें दे के ये दिखाना चाहती हूं कि मैं एक इंसान कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं, जिसको तुम और तुम्हारा दोस्त हासिल करके ये दिखाना चाहते हैं कि हु इज द मोस्ट पावरफुल। मॉम, टाइम देखा है आपने, क्यों जाग रही है, जाके सो जाए। ऐसे हालात में कहाँ नींद आती है, पता नहीं सब कुछ क्या हो गया है। नवेरा ने ऐसे घटिया आदमी को अपना लाइफ पार्टनर चुना है। मॉम मैं तो समझाता था सबको, ना कभी आपने मेरी बात को अहमियत दी ना नवेरा ने। ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो, अहमियत तो तुम्हें देनी थी। कैसे आदमी से तुमने दोस्ती की है। मैं बहुत समझाता था उसे। अब तो मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो कहते हैं ना, a man is known by the company he keeps. Come on, mom. मैं ऐसे शॉर्टकट्स का सोच भी नहीं सकता जिंदगी में। और मुझे किस चीज की कमी है कि मैं किसी को अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप करूं? मानते हो ना, जब कोई कमी या महरूमी हो तो इंसान किसी को अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप कर लेता है। तुमने भी मिनाइल को ट्रैप किया है। नवेरा के खो जाने का इंतकाम तुम अकील से लेना चाहते थे, इसलिए मिनाइल के जज्बात से खेलते रहे। ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे अकील से अब कोई इंतकाम नहीं लेना। जो उसने मेरे साथ